सुलेंद्र। हाँ बोलो। हमें इतना समय हो गया मिलते मिलते, आप पापा की शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते? अरे कर लेंगे यार, अभी क्या जल्दी दिया हम लोगों को। क्या सुलेंद्र, मेरे पापा लड़का देख रहे हैं शादी के लिए, अगर मेरा रिश्ता तय हो गया तो आप देखते रह जाओगे और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं यार, तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। चलो आप यहीं पर घूमने चलते। चलो शीतल कहाँ हो? अभी के अभी मुझसे बाद में मिलवा। ओके। वो सील तुम आई, आओ बैठ। यार सुलेंद्र, मुझे इतनी जल्दी मत बुलाया करो, मेरा भाई पता है बहुत जिद कर रहा था। सुनो सुलेंद्र, अगर मेरे पापा को किसी ने बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। हाँ यार, तुम्हारे पापा बहुत डेंजर है यार, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और तुमने पापा की शादी की बात भी नहीं की, थी। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी गलती। सुलेंद्र लगता है मुझे किसी ने देख लिया, मैं घर। ठीक है चलो जाओ।
अभी सुरेंद्र भाई कैसे परेशान हो? क्या बताऊं उमेश भाई, जब से शीतल मुझसे मिलकर गई है ना, उसकी कॉल आई है ना, उसका कोई मैसेज आया है, पता नहीं उसके पापा ने उसके साथ क्या किया होगा। सुरेंद्र मुझे कॉलेज के गेट पर मिलो। हाँ क्या हुआ? पता है सुरेंद्र, मेरे पापा ने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ की। मैं पता है मुझे कमरे में बंद करके रखा था और मेरा फोन भी छोड़ा। सच में? हाँ। चलो मैं आज तुम्हारे पापा से बात कर लेता हूँ, हम दोनों की शादी के बाद। यार तुम टेंशन मत लो, हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ हम दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए, ठीक है? आज चलो चलते हैं। देखो शीतल, तुम्हारी शादी हुई होगी जहाँ तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं, रही बात 10 लाख रुपए की, वो उसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ। यही चाहते हो क्या मैं किसी और के साथ शादी करूँ? जहाँ तुम्हारे पापा की इच्छा शादी तुम्हारी वही होगी, उससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? रही बात 10 लाख रुपए की, पापा ये वही लड़का शीतल उससे प्यार करती थी। ये तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी चमकाने के लिए 10 लाख रुपए लेकर आया, अपनी खुशी समझी। ये तो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तो आपको पहले बताने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोग जी आप पैसों पर बैग संभाल लिया, आप जहाँ चाहेंगे शीतल की शादी हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रुको बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुनो बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शीतल की शादी होगी तो जरूर, लेकिन उन लालची लोगों के साथ में, तुम्हारे साथ। तुम ही हो जो शीतल को हर खुशी दे सकते हो, तुम्हारे अंदर मैंने बहुत ईमानदारी की। आने वाली 25 तारीख को तुम दोनों की शादी दुनिया देखेगी, बड़े धूमधाम के साथ तुम दोनों की शादी होगी।